गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लोपोटा ट्राकिस ब्लॉग्स। देखो यहाँ पे पापा मोबाइल देख रहे हैं और यहाँ देखो बेटा मोबाइल देख रहे हैं और माँ कर रही है ब्लॉगिंग। मतलब तीन तीन मोबाइल बिजी है। क्या ज़माना आ गया गाइस, सब कोई आजकल मोबाइल में बिजी रहते हैं। तो सुबह ऐसे ही शुरू हो रहा है आज बहुत आदि परेशान कर रहा है कि मोबाइल उसको देखना है। तो उसका पापा भी परेशान कर रहे हैं कि मेरे को मोबाइल देख के ही खाना है और मम्मी भी शायद उसके बाद ही मोबाइल देखेगी। तो चलो सब कोई मोबाइल देखते रहो और हम अपना काम करते रहें। तो गाइस देखो आज एक काम, आज बहुत बड़ा काम किए। देखो अभी मार्केट गए थे हम और मम्मी और वहाँ से ना देखो आदि का हेयर कट कर दिए है। कितना अच्छा लग रहा ना, आदि का हेयर बहुत ना बढ़ गया दादाजी कर दिया हेयर कट। तो इसीलिए ना यहाँ कट कर दिए और पूजा भी सामने है तो अच्छा लगेगा, स्मार्ट एंड हैंडसम बॉय बनेगा आदि। तो इसीलिए देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो अभी हेयर कट वगैरह कर दिए और वहाँ से ना चिकन लाए थे। चिकन लाने के बाद चिकन में खाना वाना बनाए और एकदम मिलते हैं आपसे शाम में, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम है। और देखो अभी हम लोग मार्केट गए थे, मार्केट मतलब हम लोग नहीं, हम गए थे मार्केट। और मार्केट से ना आए और दूध पाव रोटी ये सब लाने गए थे। और वहाँ पे लाने के बाद नेल पॉलिश वगैरह भी लाए, बहुत कुछ लाए, आप लोग को दिखाएंगे। तो देखो पहले मैगी खा रहे हैं, ये वाला ना झाल वाला मैगी है, हॉट मतलब हॉट एंड क्या बोलते हैं चिली वाला है। तो वो वाला मैगी बहुत ही ज़्यादा ही झाल है। और उसके बाद ना हम लोग ये खा रहे, तो ये वाला ना मेरा हस्बैंड लाए हैं, ये बहुत ही अच्छा था। पता नहीं ये वाला आपको, आप लोग को तो पता ही चल रहा होगा ये क्या है। ये रॉलिक का आइसक्रीम है, ये हंडी वाला, ये सबसे आइसक्रीम से भी तो मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा इसका हंडी। और बहुत ही प्यारा सा है, इसमें ना कुछ भी आप स्टोर करके रख भी सकते हो, नमक हल्दी वगैरह कुछ भी। और मम्मी को ये पसंद नहीं है इसीलिए मम्मी ना ये वाला आइसक्रीम खा रहे। ये वैनिला फ्लेवर का है और ये कॉर्नेटो ये वाला ही खा रही है। तो गाइस ये सब खाना पीना हो गया है। उसके बाद ना यहाँ पे आप देख सकते हो हम लग गए हैं काम में। और आप देख नहीं सकते हो, आप देख पाओगे, ये देखो ये आदि का ना ख़राब वाला ड्रेस है, ये मिल गया है मुझे। और अभी हम साफ़ करेंगे, एसी तो साफ़ पहले कर लिए हैं और अभी फिर करेंगे। और मम्मी को बोल रहे फ़ैन ऑफ़ करने के लिए, फ़ैन ऑफ़ कर देगी मम्मी, उसके बाद ना हम एसी भी साफ़ करेंगे। और डेली ना हस्बैंड को बोलते कि आज हम एसी साफ़ कर देंगे और फ़ैन साफ़ कर, मगर करते नहीं हैं। तो आज हम ठान लिए इसको करना है। एसी का जो दो ठो जाली होता है ना, वो कुछ दिन पहले ही ना एसी का आदमी लोग आया था तो किए थे, इसीलिए बाहर से ही झाड़ पोछ कर दिए हैं। तो अब देखो फ़ैन का बारी, फ़ैन कितना ज़्यादा गंदा हो चुका था, बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका था। तो क्या करें, मेरा हाथ भी नहीं पहुँच रहा है और हस्बैंड भी आ गए हैं और बोल रहे हैं कि ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि घर उर जब चेंज होगा ना गाइस तो उसमें ना अच्छा से किया जाएगा, मतलब खोल करके सर्फ से। इसीलिए अभी खाली मतलब जितना गंदा जमा था ना, फैन का स्पीड ना कम हो गया था गंदा के लिए, तो वही सब साफ़ कर रहे हैं। बस ये करेंगे, उसके बाद ना मम्मी का बेड का सब चादर वगैरह कल धोना है, मेरा बेड का चादर बहुत कुछ धोना है गाइस। तो वही सब भी एक साथ जमा किए हैं और अच्छा से सब कुछ करेंगे। तो अब देखते रहिए गाइस। अब यहाँ पे देखो मम्मी का जो बेड था वहाँ पे आदि कितना परेशान कर रहा है। अब मैं कैमरा रखी है, स्टैंड में नहीं रखी है गाइस, ऐसे रखी है और आदि कितना परेशान कर रहा है। एक बार बेड में चढ़ जाएगा, एक बार बेड से उतारेगा। और हम अभी हम काम उम कर करके बैठे हैं, आप देखे हो सब पूरा साफ़ किए। कल ना कपड़ा बहुत सारा है, बिस्तर का चादर वगैरह अभी तो देखे है, अब उठा रहे थे मम्मी का बेड का। फैन ना अच्छा से साफ किए हैं मगर फिर भी गंदा जमा है थोड़ा सा, मेरा हाथ ना पहुंच नहीं रहा था। और जब हम लोग घर तो चेंज करने का बात चल रहा है, यहाँ वहाँ देख रहे घर, वैसे बजट में मिलेगा और हर एक तरह का सुविधा होगा, मार्केट सामने होगा। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमको ना कोमट चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए, मम्मी को खास करके चाहिए। तो इसीलिए ये बाबू
तो इसीलिए ना उसका ये कर रहे कि कोमर मिल जाए, क्योंकि वेस्टर्न नहीं होगा ना तो मेरा मम्मी कोटी का बहुत प्रॉब्लम होता है। तो गाइस अभी साफ उफ करके बैठे और पसीना से ना पूरा लथपथ हो जा रहा देख सकते हो। और ये देखो क्या क्या खरीद के ला दी, हम मार्केट गए थे तो क्या क्या खरीद के लाए, तो एक ही करके दिखाते हैं। ये है कॉटन का हैंडकरचीफ, ये वाला खरीदे, बहुत बहुत ज़्यादा ना पसीना होता है और आदि का मुंह वगैरह पोछने में काम आता है, कहीं जाते हैं ना तो कॉटन रहता है ना, कॉटन वाला बहुत अच्छा होता है। और वैसे ना टावल वाला भी, रुमाल जो आता है वो भी अच्छा होता है, मगर वो वाला ना मेरे पास है 2-4 तो इसीलिए। और देखो यहाँ हम ना दो ना बैंड खरीदे है, हेयर बैंड, बैंड नहीं बोलते इसको, ये टाई वाला खरीदे है, देखिए बहुत सुंदर लग रहा है। रुको ना बाबू, दो कलर है, एक है वैलेट और ये एक है ग्रीन, बहुत अच्छा लग रहा है ना। इधर चल जाओ, पापा के पास जाओ, जाओ पापा के पास जाओ, जाओ ना, अभी काम करने दो ना। हाँ तो ये दो खरीदे हैं, बहुत बदमाशी कर रहा है अभी, बस ये तीन हुआ है, रुकिए दिखाते। ये एक क्लिप खरीदे, बहुत ही प्यारा सा क्लिप है, ऐसा ना स्टोन वाला क्लिप ना मेरे पास था, तो ये यहाँ का जो बाल होता है छोटा सा करके जो बांधने में बहुत अच्छा लगेगा, प्यारा लगेगा, जब हम लोग ना घूमने जाएंगे दुर्गा पूजा में तो ये वाला क्लिप लिए हैं, कैसा लग रहा है बताना। ये सब घुसा देते हैं, उसके बाद मैं और दिखाते। हाँ ये नेल पॉलिश रिमूवर लिए है, ये वाला वो कॉटन पैड वाला लिए हैं, नेल पॉलिश रिमूवर, और यहाँ दो कलर का ना नेल पॉलिश लिए है, कैसा लग रहा है। ये पहने हैं, ये वाला कलर का, ग्रीनिश कलर का थोड़ा, और ये सिल्वर कलर का, ये देखिए दो कलर का नेल पॉलिश, थोड़ा यूनिक कलर का लिए हैं, क्योंकि ना रेड वायलेट मरून चेरी ये सब पहन पहन के ना, पिंक पहन पहन के ना बोर हो गए हैं, तो इसीलिए लिए हैं ये वाला कलर। और यहाँ पे देखिए ये वाला लिए है, ये वाला ना थोड़ा खोल के दिखाते हैं तब ना आपको पता चलेगा, बहुत ही प्यारा लगा है, जैसे हम दुकान में एंट्री किए ना मेरे को बहुत पसंद आया ये वाला, देखिए इयर रिंग्स है, ऐसा लग रहा है ये ना हर एक ड्रेस के साथ मैचिंग हो जाएगा और मेरा कान में ना अच्छा भी लगेगा, मतलब छोटा सा है ना थोड़ा इसमें अच्छा लगता है, तो ऐसा वाला है तो हर एक ड्रेस के साथ हो जाएगा मैचिंग, तो इसीलिए हम लिए हैं ये वाला। इसका लिया 50 रुपीज़, थोड़ा यहाँ पे ना दाम ज़्यादा है, क्योंकि ना हम पहले ना कोलकाता के न्यू मार्केट से शॉपिंग करते थे और यहाँ पे सांची में भी वैसे ही दाम है, थोड़ा ज़्यादा है, तो वहाँ पे ना 30 रुपीज़ करके हर एक इयर रिंग्स मिलता था, बहुत ही सुंदर लगता था गाइस। तो हमने तो अभी तो मतलब नहीं रहते वहाँ, नहीं तो ना बहुत प्यारा प्यारा सा 30 रुपीज़ का 50, 90, 100 का अंदर बहुत अच्छा सा इयर रिंग्स मिलता था। बस यही सब शॉपिंग किए हैं, मतलब यही सब छोटा छोटा सामान लिए हैं। और अभी हम लोग तो देखे हैं आप मैगी खाए हैं, तो अभी ना पेट भरा भरा है, वैसे ही लग रहा है। और ब्रेड लाए हैं वो दुकान से, और ब्रेड है, और केक लाए थे वो आदि के लिए, मतलब बड़ा 60 रुपीज़ का दो केक होता है वो लाए थे, और 1 लीटर दूध लाए थे। तो यही सब रात में देखते हैं अगर खाना बनाना होगा, अभी तो 8:30 बज चुका है, हम थोड़ा नहाएंगे जा करके, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा ज़्यादा पसीना हो रहा है गाइस, तो ये करेंगे उसके बाद नहाएंगे, उसके बाद देखते हैं अगर मेरा हस्बैंड भी आ गए हैं घर पे, हम जब फैन साफ करें तभी आ गए हैं, देखते हैं अगर रात में खाना बनाना होगा तो बनाएंगे, नहीं तो दूध पाव रोटी खा लेंगे सब कोई। ये ब्लैक कलर का भी देख रहे थे गाइस, कौन सा नहीं, गोल्डन भी बहुत अच्छा लग रहा था, तो मेरे पास ना सिल्वर कलर का कोई नेल पॉलिश नहीं था, तो हम सोचे कि ना सिल्वर ले लें। तो चलिए गाइस, आप लोग का शॉपिंग कितना कंप्लीट हुआ नहीं हुआ प्लीज़ कमेंट करके बताना। और अभी अभी हम जाएंगे नहाने, उसके बाद देखते हैं जो होगा, मतलब खाना अगर बनाना पड़ेगा तो ठीक है, नहीं तो भुजिया रोटी बनाना पड़ेगा, नहीं तो वही पाव रोटी दूध पी के सो जाएंगे। तो यही है मेरा रूटीन अभी तक का, क्या बोले,
तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं तक खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड लव यू ऑल, सी यू।